गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक जो पारित हुआ था 2017 में। प्लस इसके पहले जो हमने दो पार्ट में जो MCQs देखे हैं उसको भी हम पहले कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके ये पार्ट 3 है। इसके पहले के जो दो पार्ट में हमने 10 चैप्टर्स कम्प्लीट किए थे। ओके, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है CG लैंड रिवेन्यू कोड 1959, यानी कि छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड, ठीक है, भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ 1959। इसमें 19, ठीक है, टोटल 19 चैप्टर्स हैं, 264 धाराएं हैं, 264। ओके, तो ये 19 चैप्टर्स हैं, उसमें से 10 चैप्टर्स हमने पहले दो पार्ट में कंप्लीट किए हैं उसके MCQs। इस पार्ट में भी हम उसके आगे का 11वें, ठीक है, 11वें चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन जो विधेयक पारित हुआ था 21 दिसंबर 2017 को, जिसको कुछ ही दिनों के अंदर सरकार ने दबाव की वजह से वापस ले लिया था जनवरी 2018 में, ठीक है। दिसंबर 2017 में ये विधेयक पारित हुआ, पर ये जो हमारे गांव के जो कृषक हैं ये सब लोगों ने बहुत अपोज़ किया था उसको, कि हम अपनी भूमि नहीं देंगे एंड ऑल डैट। तो उसको जस्ट कुछ दिनों के अंदर जनवरी 7 से 8 जनवरी 2018 में सरकार ने उसको वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये भी देखेंगे इसमें। तो आइए फिर कंटिन्यू करते हैं, लेते हैं हमारा 11वां अध्याय का पहला सवाल। कोई भी व्यक्ति स्वयं के विकल्प पर 10 वर्ष का भू राजस्व अग्रिम में जमा कर सकता है। ऐसे अग्रिम भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति स्वयं के विकल्प पर 10 वर्ष का जो भूमि का जो रिवेन्यू है उसको अग्रिम में अगर जमा करा सकता है तो भी उससे उसको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम जो 11वां अध्याय कर रहे हैं तो ठीक है, इसके बाद जब हम 12वें अध्याय में आएंगे तो मैं आपको बता दूं जो पूरे 19 चैप्टर्स हैं, 19 अध्याय में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 12वां। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों है 12वें अध्याय 5 के हम देखते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ कंटिन्यू करते हैं। बकाया तथा बकाया दार की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 141 में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि भू राजस्व का भुगतान धारा 140 में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति तक नहीं किया जाता है तो बकाया पर प्रथम 12 मास के लिए, ठीक है, और ये देखिए ये जो है ना ये प्रथम 12 मास के लिए 12% रहता है, और साधारण ब्याज भुगतान की तिथि तक जो देय होता है ना वो 15% होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सा बिल्कुल भी सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको 12% और 15% दोनों याद रखना पड़ेगा। फसलों के नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफ़ी या उसका निलंबन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, ठीक है। देखिए, आपकी फसल अगर ख़राब हो गई है तो जो भू राजस्व जो रिवेन्यू आपको अपनी ज़मीन का तो देना ही पड़ेगा ना, तो वो कौन हटा सकता है? वो सीधी सीधी बात है, उसका जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास नहीं है। चलिए अगला ले लेते हैं। किसका प्रमाणित लेखा बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा? तहसीलदार का होगा, बिल्कुल होगा। हमारे दुर्ग में राइट साइड में रहते थे एक तहसीलदार जी, मुखर्जी अंकल करके थे, तो उनसे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं। चलिए, कौन बकाया की वसूली के लिए धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी करने के पूर्व किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवाएगा? तहसीलदार ही करवाएगा। चलिए, भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित में से किसे कुर्क एवं विक्रय नहीं किया जाएगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको ये शायद ना दिख रहा हो कि ये किसी एग्ज़ाम में आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आगे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भू राजस्व की बकाया की वसूली, आपका जो लैंड का रिवेन्यू है वो जो बकाया है उसकी वसूली के लिए निम्न में से किसे कुर्क एवं विक्रय नहीं किया जा सकता, पूछा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं किया जा सकता। तो हम देखिए, ये तीनों चीज़ नहीं की जा सकती है। भोजन, आपके पेट पे कोई लात थोड़े ना मारेगा, तो भोजन बनाने के बर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। व्यक्तिकर्मी के पहनने कपड़े, कोई कपड़े उतरवाएगा क्या आपके? बिल्कुल नहीं उतरवाएगा। और बिछौने को, ये बिल्कुल उपरोक्त सभी इज़ द राइट आंसर, नहीं है पूछा, ये तीनों चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भू राजस्व की देखिए आ गया ना कि बकाया की वसूली के लिए कौन सा कुर्क एवं विक्रय
नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखा ना कि नहीं किया जाएगा, भोजन बनाने के बर्तन आपके बिल्कुल नहीं किया जा सकते। ठीक है, यहाँ पे नहीं छूट गया है तो ये पहला ही है, बाकी सब चीज़ होगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में व्यक्तिक्रमियों द्वारा 6 हेक्टेयर से कम धारित भूमि, यदि व्यक्तिक्रमी कृषक है तो यांत्रिक शक्ति द्वारा चलित खेती के उपकरण, और अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में 4 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर से कम की भूमि। ठीक है, ये सब हड़प ली जाएगी आपसे, मतलब आपकी कुर्क हो जाएगी। ठीक है, आपके बर्तन कपड़े और ये खाने पीने की चीज़ें, ये सब कुछ नहीं होगा। चलिए, भू राजस्व की बकाया के भुगतान में चूक। ठीक है, आपके लैंड वैल्यू के जो बकाया बचा हुआ है उसको भुगतान में अगर चूक करने वाले कर देते हैं आप, तो गिरफ्तार कौन कर सकेगा? SDO आएगा और आपके हाथों में हथकड़ी लगवा के ले जाएगा, पुलिस उसके साथ जरूर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश की भू राजस्व की बकाया के भुगतान में चूक करने वाले किसी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा और सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकेगा। 50 लाख, 50 लाख इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CG भू राजस्व संहिता की धारा 143 के अधीन भू राजस्व की बकाया के लिए गिरफ्तार सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर वाला किया जा सकेगा था, नीचे वाला नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अगर वो अवयस्क है, ठीक है, अवयस्क 18 साल से कम है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। मानसिक रूप से बीमार है तो भी कुछ नहीं होगा, उसका मंदबुद्धि है। CPC की धाराएं, ये जो हैं तीनों धाराएं के अधीन अगर छूट प्राप्त कोई व्यक्ति हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय अध्याय 11 के उपबंधों के अधीन किया गया है और ऐसे विक्रय पूर्ण हो गए हैं और वहां यह संपत्ति क्रेता में उस समय से निहित हो गई हो तो क्या होगा? जबकि क्रेता द्वारा विक्रय पत्र में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण धन जमा कर दिया जाता है तो ये होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आगे हमारा 12वां अध्याय जिसका मैं वेट कर रहा था, ये रखिए, ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अभी जो लास्ट संशोधन हुआ था, जो हमने फ्रंट पेज में देखा 2017 में, जो ये हुआ था ना संशोधन हुआ था, जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, वो इसी में हुआ था। 165 धारा की उपधारा 6 के खंड 2 में, यानी कि खा में इसी में हुआ था। और उसको बहुत दबाव की वजह से बहुत ज़रा ये न्यूज़ में आ रहा हमारे छत्तीसगढ़ में, और उस समय जो राजस्व मंत्री थे कौन थे क्या थे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चंस लेते हैं। राज्य से धारित भूमियों के भूधारियों का कितना वर्ग होगा, कितने वर्ग होंगे? ठीक है, कितना वर्ग होगा? केवल एक। ठीक है, केवल एक भूमियों के भूधारियों का एक वर्ग हो सकेगा जो जाना जाएगा भूमि स्वामी, सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कोई वर्ग नहीं होगा कि भूमि ये भूमि वो, है ना, सिर्फ एक वर्ग होगा, आपने ऊपर पढ़ा। और वो वर्ग क्या होगा? वो होगा भूमि स्वामी। देखिए, एक व्यक्ति जो भू राजस्व संहिता 59 के प्रवृत्त होने के समय विंध्य प्रदेश क्षेत्र में पट्टेदार कृषक के रूप में भूमि धारित करता है तो वो क्या कहलाएगा? वो भूमि स्वामी कहलाएगा। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है, सरकारी पट्टेदार, वास्तविक कृषक, मौसूरूसी कृषक, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये वैसे मौसूरूसी कृषक जो है 2018 में एक MP में विधेयक पारित किया गया था और ये वर्ड ही हटा दिया गया था इस पूरे टॉपिक से। चलिए कोई नहीं, अपने को तो छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना है। देखिए, भू राजस्व संहिता में राजस्व में कमी संबंधी उपबंध किया गया है धारा 161 में। भू राजस्व संहिता 59 की धारा 161 जो है इसके अधीन कौन भू राजस्व में कमी कर सकता है? नो डाउट कलेक्टर, सिर्फ कलेक्टर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा में भूमि स्वामी की मृत्यु होने पर उसके हित के संक्रांत होने संबंधी उपबंध है? धारा 164 में। ये भू स्वामी की मृत्यु होने पर उसका हित संक्रांत नहीं होगा, करार द्वारा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन जो था, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था ना, 196 वाला। देखिए, भू स्वामी की मृत्यु अगर हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मेरी हो गई है मृत्यु, तो उसका जो संक्रांत है वो कौन होगा? उत्तराधिकारी द्वारा, उत्तरजीविका द्वारा और वसीयत द्वारा। लेकिन यहाँ पूछा नहीं, तो आंसर करार द्वारा नहीं होगा। ठीक, भू स्वामी के हित, नेक्स्ट ले लेते हैं। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार निम्न अनुसार जाते हैं, उसकी स्वीय विधि द्वारा वो चले जाते हैं, उसके स्वयं की विधि द्वारा। ठीक है, भू राजस्व संहिता की धारा 165(6)(ग) है, ये ना, खानी है, ग
के प्रयोजन के लिए अनारण मिथ्य बनावटी या बेनामी नहीं था यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो यह दावा करता है कि ऐसा अंतरण विधि मान्य है। आ होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, भूराजस्व संहिता की धारा 165C के अधीन, ठीक है, 165(6) का दिया मैंने के अधीन घोषित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस एग्जाम में भरे नहीं आया, लेकिन इस बार आने के चांसेस 165 से रिलेटेड धारा के को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) के अधीन घोषित किसी आदिम जनजाति के भूस्वामी से भिन्न किसी भूस्वामी द्वारा किए ऐसे व्यक्ति को जो आदिम जनजाति का ना हो अंतरिम की गई कृषि भूमि ऐसे अंतरण की तारीख से कितनी कालावधि का अवसान, 10 साल आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 10 साल 10 ईयर्स बिल्कुल याद रखिएगा, 10 साल कोई भूस्वामी, नेक्स्ट जो भूदान यज्ञ अधिनियम 1968 बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हमारे टॉपिक नहीं है। आगे लेते हैं, भू राजस्व संहिता की धारा 165 के प्रयोजनों के लिए 1 एकड़ सिंचित भूमि को किसके बराबर समझा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 एकड़ अगर सिंचित भूमि है तो वो 2 एकड़ असिंचित भूमि के बराबर होगी, देखिए 1/2 का अनुपात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया है MP के, यदि भूमि का अंतरण धारा 165(4) के उपबंधों के उल्लंघन में किया जाता है तब विहित उच्चतम सीमा से ऊपर भूमि राज्य सरकार को संप्रहत की जाएगी ना कि अधिहरित की जाएगी, ऑप्शन ए सही है, संप्रहत की जाएगी, ठीक है। भू राजस्व संहिता की धारा 165 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भूस्वामी किस प्रयोजन के लिए अपने संपूर्ण खाते या उसके किसी भाग का विनियम पारस्परिक करार द्वारा कर सकेगा, तो वो कर सकेगा खाते की चकबंदी के प्रयोजन के लिए और खाते में और अधिक सुविधा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, आ और बा दोनों ही सही हैं इसमें। ये लेते हैं अगला सवाल, भू राजस्व संहिता के तहत कोई भी भूस्वामी उसके खाते में समावित किसी भी भूमि को जिसे धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है वो एक समय में 5 वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए दे सकेगा, ठीक। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने सारे एग्जाम्स में यही रिपीट हुआ है एज इट इज़। सवाल लेते हैं, इसमें से कौन भू राजस्व संहिता की धारा 168(2) के अंतर्गत पट्टे के द्वारा संपूर्ण खाते का अंतरण करने के लिए अधिकृत नहीं है, अच्छा ठीक है नहीं है, तो 2018 में हुए संशोधन के उपरांत उक्त उपधारा में इस निर्मित कोई उपबंध नहीं है। देखिए ये जो है ना ये MP का है, ये जो संशोधन जो हुआ था ना इस पर्टिकुलर में ये MP में हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, ठीक है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये सवाल इसलिए शायद ना पूछे, फिर भी आप देख लीजिएगा आबासा तीनों है क्योंकि नहीं है पूछा है सवाल, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। भू राजस्व संहिता की धारा 168(1) के अधीन 5 वर्ष अधिक की सीमावधि कालावधि के लिए दिया गया पट्टा 5 वर्ष की कालावधि के लिए दिया गया समझा जाएगा, बिल्कुल 5 वर्ष के लिए है तो 5 वर्ष के लिए जाएगा, ठीक है। देखिए ये छत्तीसगढ़ में पूछा है, ये जो अगला सवाल है, भूमि का अंतरण आदिम जनजाति के भूमि स्वामी द्वारा किया गया है अगर तो धारा 170 भू राजस्व संहिता के तहत कौन आवेदन दे सकेगा, विक्रेता के आवेदन पत्र द्वारा ही होगा ये, कोई पुत्र अधिकारी कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बा, सिर्फ विक्रेता के आवेदन पत्र द्वारा, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे, बाकी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं खाते के, क्योंकि देखिए ये 165 की बात की जो धारा है फिलहाल 200 धारा तक ये उतना मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, आप इस पूरे टॉपिक में 165 धारा को बस अच्छे से कीजिए, ठीक है। खाते के विभाजन की कार्रवाई जो धारा 178 के अंतर्गत दायर की गई है में हक का प्रश्न उत्पन्न होने पर तहसीलदार कितनी अवधि के लिए स्थगन लाने हेतु कार्रवाई मुलतवी करेगा, 3 माह के लिए, 3 माह याद रखेगा, 3 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि के खाते के विभाजन के मामले में यदि तहसीलदार के समक्ष हर संबंधी प्रश्न उठाता है तो उसे विभाजन के मामले की कार्रवाई 3 माह के लिए स्थगित कर देनी चाहिए ताकि पक्षकारों के लिए हक के विवाद के निराकरण हेतु सिविल वाद संस्थित करना शुक्र हो सकता है, ठीक है। देखिए एक और सवाल आया है हमारे छत्तीसगढ़ CG में, क्या भूस्वामी द्वारा अपनी भूमि पर खड़े वृक्षों का अंतरण किया जा सकता है, भूमि के साथ अंतरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। 13वां अध्याय जो है वो है सरकारी पट्टेदार तथा सेवा भूमि का, एक सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से कतिपय आधारों पर किसके आदेश द्वारा बेदखल किया जा सकेगा, तो कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा, क्योंकि 13वां अध्याय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला सवाल ले लेते हैं हम। यदि कोटवार मर जाए पर त्याग दे या विधि पूर्वक
पदच्युत कर दिया जाए तो सेवा भूमि संक्रांत होगी उसके पद उत्तरवर्ती को। आइए लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। छत्तीसगढ़ गुरु संहिता संशोधन विधेयक पारित कब हुआ था? 21 दिसंबर 2017 को हुआ था और इसके कुछ ही दिनों के अंदर विद इन फ्यू डेज इन जनवरी 2018 ये वापस भी ले लिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। भू अधिकार और आदिवासी के ऊपर है ये धारा 165 की बात छोड़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया भू राजस्व संहिता में संशोधन। किसने किया? राजस्व मंत्री थे उस समय हमारे तुर्क भिलाई के पांडे जी। ठीक है, प्रेम प्रकाश पांडे जी थे उस समय राजस्व मंत्री, अभी तो अग्रवाल जी हैं। ठीक है, 165/6-2 ये याद रखिए आप, प्रेम प्रकाश पांडे राजस्व मंत्री थे उस समय। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लुभावने वादे किए गए थे, ये हैं वो वादे। क्या संशोधन हुआ था? केवल राज्य केंद्र या सरकार उपक्रम ही ज़मीन खरीद सकेगी। ठीक है, ज़मीन के बदले विक्रेता को 3 गुना मुआवजा मिलेगा ये कहा गया था। किसी की आजीविका प्रभावित होगी तो सरकार रोजगार भी देगी, इस तरह के बहुत सारे वादे किए गए थे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिए, इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको, वही चीज़ है जो पीछे मैंने बताया। ठीक है, और फिर जनवरी 2018 में इसको वापस ले लिया गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो यहीं समाप्त किया जाए। थैंक यू वेरी मच।